जय जोहार और राम राम संगवारी हो। मोर नाम है अभिजीत कुमार और आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के अपन के प्रादेशिक समाचार की चैनल जिकर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो आज के वीडियो शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में आप मतलब छत्तीसगढ़ के 20 ऐसे बड़े खबर के बारे में बताबो जो आप मतलब जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन पहली बड़ी खबर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बेहद जरूरी है, इससे ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो हम डालेंगे वो आप तक पहुंच पाएंगी, अन्यथा हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आज चलिए पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महामारी के 45 नए मरीज मिले बीते दिन। तो वही इन 7 जिलों में मिले पॉजिटिव केसेस। तो वही प्रदेश में 2655 पहुंची कुल संक्रमितों की संख्या। जी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में बीते दिन महामारी के 45 नए मरीज सामने आए। इन मरीजों में राजनांदगांव से 16 और बिलासपुर और कवर्धा से 7-7 मरीज, तो वही रायपुर से 5, दुर्ग से भी 5 मरीज सामने आए हैं। तो वहीं बलौदा बाजार से 4 मरीज मिले हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 705 हो गई है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 2655 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन के लिए। दोस्तों आपको बता दें अभी फिलहाल बंद रहेगी छत्तीसगढ़ की सभी सीमाएं, तो वही कार्यक्रमों में छूट फिलहाल अभी इसी वक्त नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको बताया कि शादी ब्याह में अधिकतम 50 और अंत्येष्टि कार्यक्रमों में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ये सभी नियम पिछले दिनों से लागू हो चुके हैं, तो वो अभी फिलहाल जारी रहेंगे। वहीं आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी अपनी सीमाएं बंद रखेगा छत्तीसगढ़। तो वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और इससे अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाल होने में अभी वक्त लग सकता है। इतना ही नहीं, सरकार सिनेमा हॉल के साथ ही भीड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी अनुमति देने के मूड में फिलहाल नहीं है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यहां पर खाद, बीज व उपकरण खरीदने के लिए बिना ब्याज पर कर्ज देगी भूपेश सरकार। तो वहीं 4,600 करोड़ इसके लिए मंजूर हो चुके हैं। जी आपको बता दें कि महामारी की वजह से किसानों को खेती में आर्थिक समस्या ना आए, इसलिए सरकार ने खाद, बीज और उपकरण खरीदने के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला लिया है। वहीं इसके लिए 4,600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जबकि न्याय योजना की पहली किस्त 1,492 करोड़ जारी होने के बाद किसानों के रुझान देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने आसानी से कर्ज देने के साथ साथ खाद, बीज वितरण की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत, क्योंकि 15 जुलाई तक करा सकते हैं अब उनका फसल बीमा। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर छत्तीसगढ़ किसान खरीफ सीजन 2020 के लिए 15 जुलाई तक फसल बीमा करा सकते हैं। तो वही इस बीमा की योजना के तहत धान, मक्का, मूँगफली, तुअर, मूँग और उड़द की प्रमुख फसलें शामिल है। वही जानकारी के अनुसार इन फसलों का बीमा करने के लिए 2 बीमा कंपनियों को काम दिया गया है जो अलग जिलों में फसल बीमाएं करेंगी। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रहा है कि सावन में 5 सोमवार तो वहीं 5 माह का चतुर्मास भी। जी आपको बता रहा है कि इस बार नहीं निकलेगी कांवड़ यात्रा, वही शादी के लिए 30 जून अंतिम मुहूर्त है। जी आपको बता देना चाहते हैं, वहीं आपको बता रहा है कि शादी के लिए 30 जून अंतिम मुहूर्त है, जैसा कि आप सभी को हम बता चुके हैं। तो वहीं यदि इस मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो 4 महीने 25 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं 1 जुलाई को देवसैनी एकादशी है, इसके बाद से मांगलिक कार्यक्रमों में रोक लग जाएगी। इस बार चतुर्मास 5 महीने का होगा, यानी कि साधु संतों के प्रवचन व उनके दर्शन का लाभ भक्तों को 5 महीने तक मिलेगा। वहीं इस बार सावन में भी 5 सोमवार पड़ेगा। दोस्तों इसी कहा था और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि अब EWS मकान की रजिस्ट्री 25 और LIG की 50,000 रुपये में। जी हाँ, इस महामारी की वजह से राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता रहे कि मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में अफसरों के साथ बैठक ली है, तो वहीं इस निर्णय को यहाँ पर लिया गया है और कोरोना संकट काल में मकान खरीदारों के लिए राहत भरा निर्णय ये साबित होने वाला है, क्योंकि आपको बता रहे मकान लेने वालों को रजिस्ट्री में बहुत बड़ी छूट दी जा रही है। वहीं अब एकमुश्त 15% पंजीयन की राशि की जगह लोगों को हाउसिंग बोर्ड की सभी योजनाओं में बने या बन रहे EWS मकान के लिए 25,000 रुपये व LIG मकान के लिए 50,000 रुपये की पंजीयन राशि देनी होगी। वही इस संबंध में वन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है।
दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएगी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अब कोरोना भत्ता मिलना शुरू हो चुका है। जी हां, आपको बताएगी आर्थिक कारणों से मई में भुगतान नहीं किया जा सका था, जिसका प्रबंधन ने दावा किया था कि मई में रिटायर होने वाले कार्मिकों को यह दिया जाएगा। वहीं आपको बताएगी इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर आई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के बीच संयंत्र के भीतर और अस्पताल में काम करने वाले कार्मिकों को कोरोना भत्ता मिलना शुरू हो गया है। जो कि एक और अगली बड़ी खबर के बाद आपको बताएंगे कि गिट्टी प्रति टन 100 रुपये महंगी, तो वहीं 80 निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं, तो वहीं दोगुने से ज़्यादा पैसा देने पर भी नहीं मिल रही है रेट। जी हाँ, आपको बताया कि यह महामारी के कारण जो संकट काल उत्पन्न हुआ है उसके कारण यह असर देखने को मिला है, जिस पर रेत व गिट्टी के अभाव में 80% निर्माण कार्य प्रभावित हो चुका है। दोस्तों आपको बताया कि खनिज विभाग की कार्यवाही के बाद रेत और गिट्टी की शॉर्टेज की स्थिति बन गई है, वहीं दोगुने से ज़्यादा पैसा देने पर भी रेत बाजार में नहीं मिल पा रही है। तो वहीं गिट्टी प्रति टन 100 रुपये तक ज़्यादा कीमत पर बेची जा रही है और रेत और गिट्टी के अभाव में जिले के 80% RCC व कॉन्क्रीट से होने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो चुके हैं। तो समय ही सिर्फ नगर निगम में 6 करोड़ से ज़्यादा 130 से ज़्यादा छोटे बड़े काम प्रभावित हो चुके हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि लॉकडाउन में भी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में रायपुर फिसड्डी, क्योंकि 4 पायदान बढ़े फिर भी 52वीं रैंक। जी आपको बताया कि लॉकडाउन में भी स्मार्ट रैंकिंग में रायपुर पूरे देश में फिसड्डी रहा है, क्योंकि तालाबंदी खुलने के बाद पहली बार देश के 100 स्मार्ट शहरों की केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने रैंकिंग जारी की है, जिसमें रायपुर को 52वीं पोजीशन मिली। इस बार इसी साल मार्च में जारी रैंकिंग में राजधानी को 56वां स्थान मिला था, जबकि जून की रैंकिंग में अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इसी से आधे साल के स्मार्ट काम की रफ्तार का पता चलता है। तो वही रैंकिंग में नवा रायपुर को 86वें स्थान पर रखा गया है, जबकि रायपुर को 52वीं रैंक मिलने के बावजूद विशेषज्ञ इसे लगातार सुधार मान रहे हैं। तो दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि प्रदेश में अब बिजली ट्रेडिंग व होल्डिंग कंपनियां होगी बंद। जी आपको बता रही कि सीएम की हरी झंडी, तो वहीं कैबिनेट में लगेगी मुहर। वहीं आपको बता रही कि पहले 5 कंपनियां थी, अब जनरेशन ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन रह जाएगी। जी आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का विखंडन कर जिन 5 कंपनियों को बांटा गया था, उसमें से अब जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ही सिर्फ रह जाएंगी। वहीं ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनियों को भंग किया जाएगा, यानी कि जो काम पहले 5 कंपनियां मिलकर एक साथ करती थी, बिजली बांटने का, जो आपके घरों तक बिजली पहुंचती है, तो वो अब सिर्फ तीन कंपनियां ही करेंगी। जी आपको बता दें जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही रह जाएगी। वहीं आपको बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना काल में खर्चों में कटौती को लेकर हर संभव उपाय करने में लगी है, तो वहीं इसी सिलसिले में यह बड़ा अहम फैसला लिया गया है, जिसमें जो 2 कंपनियां हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। वहीं एक और अगली बड़ी खबर आपको बताया कि सीजी एजुकेशन फोरम का धरना, कोचिंग सेंटर खोलने की मांग कर रही है लगातार प्रदर्शन। जी आपको बता रही कि महापौर को ज्ञापन सौंपा गया है, तो वहीं संचालकों ने कहा है कि कोचिंग से 5 लाख लोगों का परिवार चलता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ एजुकेशन फोरम सेंटर के संचालकों ने नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। बिलासपुर की बात करें, जहां पर साथ ही जिला प्रशासन और महापौर रामशरण यादव को जो ज्ञापन है वो सौंपकर जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर को भी शुरू करने की मांग की गई है। वहीं कोचिंग संचालकों का और स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले लोगों का कहना है कि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, होटल रेस्टोरेंट मॉल को लेकर खेल के मैदान भी अब शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में पढ़ाई को भी जरूरी मानते हुए कोचिंग क्लासेस भी शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा मानकर फिलहाल जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं अजीत जोगी के जाने के बाद मरवाही की सीट वापस पाना चाहती है कांग्रेस। जी आपको बताया कि PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठकों के बहाने जिले के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। वहीं वे नब्ज टटोलने के लिए गौरेला पेंडा मरवाही भी पहुंचे हैं। जी आपको बताया कि जिस मरवाही सीट में 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाई थी, वही सीट जीतना जो है अब उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। जी आपको बता रही कि पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद से ये सीट जो है वो खाली हो गई है और उपचुनाव होना है, ऐसे में जोगी के निधन के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीतने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं एक दिन पहले जहां मोतीपुर के अनुरागी धाम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेताओं को स्पष्ट कह चुके हैं कि मरवाही जीतना ही है किसी भी हाल में।
दोस्तों इसके साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर 50,000 छात्र छात्राएं होंगे अंतिम वर्ष की परीक्षा से मुक्त। जी हां, आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग व राजभवन को पहले ही 330 पेज में जानकारियों में अवगत करा दिया गया था। जी हां, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध संभाग के 184 कॉलेजों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के 50,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा से मुक्त करने की तैयारियां चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा COVID-19 के मद्देनजर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की सिफारिश के बाद यह बड़ा कदम लिया गया है। तो वहीं आयोग ने देश भर के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों द्वारा संक्रमण के बीच परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर करने के बाद एक पैनल का गठन किया था, जिसमें पैनल ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर कुलपतियों को दोबारा विचार कर परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। तो ये एक अच्छी खबर या कह सकते हैं आपको गुड न्यूज निकल कर सामने आई है। फिलहाल जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, क्योंकि अब उनको परीक्षाएं फिलहाल नहीं देनी पड़ेंगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक कथा, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम आप तक प्रतिदिन पहुँचाते रहें। वहीं अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो यह वीडियो आप हर एक छत्तीसगढ़ के वासियों तक जरूर शेयर कीजिए। हमारा मेहनत का फल यही होता है, आपका छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ही। हमारी जो वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो उसका फल होता है। उम्मीद है आप ये करेंगे छोटा सा काम, क्योंकि आपके लिए यह बहुत छोटा है तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा काम है। दोस्तों आपकी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और आपके जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।